हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स समझो। तो स्टूडेंट, हम लोग कंटिन्यू अभी प्रोपेगेशन ऑफ एरर टॉपिक को कवर कर रहे हैं और पिछले कई वीडियोस में हम लोगों ने प्रोपेगेशन ऑफ एरर से रिलेटेड कई टॉपिक्स को कवर किया है, जैसे एरर इन सम और डिफरेंस और मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू क्वांटिटीज। ठीक है, तो स्टूडेंट हम लोग इस वीडियो में जो टॉपिक कवर करेंगे वो हमारा है एरर इन डिविजन ऑफ टू क्वांटिटीज। तो हम लोगों ने पिछले वीडियोज में ही देखा समझा कि मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के केस में जो हम लोग एब्सोल्यूट एरर ना निकाल के हम क्या निकालते हैं, परसेंटेज एरर निकालते हैं, जबकि सम और डिफरेंस के केस में हम लोग एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टैंड लेट जेड इक्वल टू ए अपॉन बी, है ना, ये हमारा दो क्वांटिटीज है और इसको जब हम डिवाइड कर रहे हैं देन वी गेट जेड, और जेड इज व्हाट, कैलकुलेटेड क्वांटिटी। तो अगर ए और बी में एरर है तो उसके वजह से जेड में भी क्या होगा, कुछ एरर होगा। तो यहाँ पे हम एब्सोल्यूट एरर ना फाइंड करके हम क्या फाइंड करते हैं, परसेंटेज एरर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे फाइंड करते हैं। तो अगेन हम लोग क्या करते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, लॉग जेड इक्वल टू लॉग ए अपॉन बी। ठीक है, तो लॉग जेड इक्वल टू लॉग ए अपॉन बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लॉग ए माइनस लॉग बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, तो डिफरेंशिएट जब करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, डी जेड अपॉन जेड इक्वल टू डी ए अपॉन ए माइनस डी बी अपॉन बी। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो माइनस है ना, इस माइनस को यहाँ पे किसमें कन्वर्ट करेंगे, प्लस में। क्यों, क्योंकि हमेशा हम लोग क्या चाहते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल एरर, है ना, हमेशा हम लोग क्या चाहते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। ठीक है, यानी जो हमारा कैलकुलेशन है उस कैलकुलेशन में मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है, हम लोग ये हमेशा कैलकुलेट करना चाहते हैं, मिनिमम एरर हम कभी कैलकुलेट नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ पे जो भी नेगेटिव साइन है इस नेगेटिव साइन को किसमें कन्वर्ट कर देना है, पॉजिटिव में। क्यों, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। ठीक है, अब इसको अगेन लिख सकते हैं, डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। क्लियर स्टूडेंट, अब हमको परसेंटेज एरर फाइंड करना है क्योंकि ये रिलेटिव एरर है। ठीक है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देयरफॉर डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, परसेंटेज एरर इन जेड, ये हमारा क्या हो गया, परसेंटेज एरर इन ए, और ये हमारा आ गया स्टैंड परसेंटेज एरर इन बी। क्लियर स्टैंड, तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन के केस में एब्सोल्यूट एरर ना फाइंड करके हम क्या फाइंड करते हैं, परसेंटेज एरर फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अब इसको नोट डाउन कीजिए, यहाँ पे हम लोग एक नोबिकॉज को भी देखेंगे। चलिए तो न्यूमेरिकल देखते हैं स्टूडेंट, ये है एनसीईआरटी एग्जांपल 2.11 का, क्या बोल रहा है, फाइंड द रिलेटिव एरर इन जेड, है ना, रिलेटिव एरर फाइंड करना है किसका, जेड का, इफ जेड इक्वल टू गिवन है। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, जेड इक्वल टू ए का पावर 4, है ना, बी का पावर है 1/3 और सी इंटू डी का पावर है 3/2। ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट रिलेटिव एरर, तो हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, क्योंकि ये डिविजन वाला केस है, मल्टीप्लीकेशन डिविजन सब कंबाइंड है। ठीक है, तो यहां पे क्या करते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, लॉग जेड इक्वल टू लॉग ए का पावर 4 बी का पावर 1/3 अपॉन सी इंटू डी का पावर 3/2। तो फिर से लॉग जेड इक्वल टू लॉग, अब देखिए डिवीजन वाला यहाँ पे रूल अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए का पावर 4 इंटू बी का पावर 1/3 माइनस लॉग सी इंटू डी का पावर 3/2। क्लियर स्टूडेंट, नाउ लॉग जेड इक्वल टू, अब इसको ब्रेक कर देंगे, यहाँ पे क्या गया मल्टीप्लीकेशन का केस, तो लॉग ए का पावर 4 प्लस लॉग b का पावर 1/3 माइनस लॉग c और फिर मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है,
तो यहां पे अगेन हम लोग लिख सकते हैं इसको प्लस लॉग डी का पावर 3/2। क्लियर स्टूडेंट, तो ब्रैकेट हटाते हैं तो लॉग जेड इक्वल टू लॉग ए का पावर 4 प्लस लॉग बी का पावर 1/3 माइनस लॉग सी प्लस माइनस माइनस लॉग डी का पावर 3/2। क्लियर है, बट हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। तो जितना भी माइनस है सारे को क्या करना है, प्लस में कन्वर्ट कर देना है, तो ये सारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे यानी डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे, तो इसका पावर आ जाएगा 4 है ना, और लॉग ए को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ए अपॉन ए। अच्छा स्मॉल में लिख लेते हैं, डेल्टा डी जेड अपॉन जेड इक्वल टू पावर कितना है, यानी 4 डी ए अपॉन ए प्लस हो जाएगा 1/3 है ना, जो भी पावर है वो आगे आ जाएगा 1/3, फिर लिखेंगे डी बी अपॉन बी प्लस डी सी अपॉन सी प्लस क्या हो जाएगा 3/2 डी डी अपॉन डी। क्लियर स्टूडेंट, अब इसको अगेन लिख सकते हैं, डी डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू 4 डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 1/3 डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा सी अपॉन सी प्लस 3/2 डेल्टा डी अपॉन डी। क्लियर स्टूडेंट, ये हमारा क्या आ गया, रिलेटिव एरर। क्लियर स्टूडेंट, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।